हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू 14th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो हेलोजन होता है, आप सभी लोग हेलोजन के बारे में जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको बोलते हैं हेलोजन। और इस ग्रुप को हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, या शॉर्ट में इसको हम हेलो ग्रुप बोलते हैं, यानी हेलोजन बोल ले या हेलो बोल ले। तो हम हेलो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और ये हेलो ग्रुप क्या है, आप सभी लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर देख रखा है, लेक्चर नंबर 13। उस लेक्चर में हम लोगों ने एक फंक्शनल ग्रुप कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, जहां पे हम डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप को देखे थे, जिसमें हमारा हेलो ग्रुप आया था, एल्डिहाइड आया था, कीटोन आया था, अल्कोहल आया था, कार्बोजेलिक एसिड आया था। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप आए थे और वहाँ पर हम बताए थे कि इन सभी फंक्शनल ग्रुप का सेपरेट वीडियो होगा और वहाँ पर हम नेमिंग करना सिखाएंगे। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को अगर कहीं पर भी अगर हेलोजन किसी अल्केन में लगा दे, क्योंकि अगर वीडियो लेक्चर आपको याद हो तो वहाँ पे हम बताए थे कि जो भी हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा यानी अल्केन होगा, उसी में फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे। अगर देखें कि नहीं देखें वीडियो, नहीं देखें जाके देख लीजिए, वहाँ पर हम बताएँ कि अल्केन में हम हेलोजन को जोड़ देंगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड सबको जोड़ेंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, और फिर नाम लिखेंगे। तो आज के क्लास में हम हेलोजन को लेंगे और हेलोजन को उठा के अल्केन में जोड़ेंगे, और जब अल्केन में जोड़ेंगे तो एक कंपाउंड बन के हमारे सामने आएगा। और उस कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, यानी उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, इसका इस लेक्चर में खात्मा होगा। और जब हेलोजन, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा टॉपिक डाला हुआ है हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, जब हेलोजन कौन, हेलोजन किसके साथ जुड़ जाए, अल्केन के साथ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। यानी हेलोजन और एल्केन जब आपस में जुड़े हो तो जो कंपाउंड बन के आता है उस कंपाउंड को बोलते हैं हेलो अल्केन। यानी हेलो मीन्स हेलोजन और एल्केन का मतलब आपको जानते ही, एल्केन क्या होता है, एल्केन में बहुत सारा आता है, क्या आता है, CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, C2H6 क्या होता है, इथेन होता है। तो इसी मीथेन और इथेन में, या नीचे प्रोपेन ले लीजिए, ब्यूटेन ले लीजिए, जो भी एल्केन आता है उसमें हम हेलोजन को जोड़ेंगे। और कौन से हेलोजन को जोड़ेंगे, तो हेलोजन हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हेलोजन को हम क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं और आयोडीन जोड़ सकते हैं। यानी क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को उठा के हम क्या करेंगे, किसी भी एल्केन में जोड़ेंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर फ्लोरीन को क्यों नहीं जोड़ेंगे, फ्लोरीन को भी जोड़ सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में फ्लोरीन के बारे में नहीं दिया हुआ है, आप बुक खोल के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग सिलेबस से एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब आगे की क्लास की बातें, तो वहाँ पे देखेंगे। तो ये तीन हम जोड़ सकते हैं। अगर हम क्लोरीन जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं, क्लोरीन वहाँ पे नाम नहीं दिया जाता है, क्लोरीन का हो जाता है क्लोरो, क्या हो जाता है, क्लोरीन का हो जाता है क्लोरो। कैसे करेंगे अभी हम बता रहे हैं, बस अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। अगर ब्रोमीन जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और आयोडीन जुड़ा हो तो क्या बोलेंगे, आयोडो। यानी क्लोरीन का होगा क्लोरो, ब्रोमीन का होगा ब्रोमो, और आयोडीन का हो जाएगा आयोडो। तो इस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन क्या है, चार हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी इसका क्या है, सारा का सारा बॉन्ड क्या है,
मतलब फुल किया हुआ है, कहीं पे भी जगह नहीं है, ना इसमें ना इसमें, तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने का एक तरीका है, कोई भी हम ले लें CH4 ले लें और इसमें से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और जब CH3 होगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी उठा के, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या होगा, ऐसे ही ना इसका स्ट्रक्चर होगा, CH4 का ये होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हुआ निकल गया, तो ऐसे ही होगा, सिर्फ इसके पास तीन हाइड्रोजन ही बचा हुआ रहेगा, ऐसे ही बचा हुआ रहेगा, और यहाँ पे जो जगह खाली होगा वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हम क्या किए, यहाँ पे किसी भी एल्केन में जो मीथेन था हमारा, उसमें हम हैलोजन को जोड़ दिए, और जैसे ही हैलोजन को जोड़े तो हमारा एक कंपाउंड बना CH3Cl। अब बात आता है कि इसका नाम कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए, इसका नाम कैसे लिखा जाए। नीचे का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन कट गया है, आप यहाँ पे ऐसा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है। एक मिनट, हाँ अब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब इसका नाम लिखने का बारी आया कि नाम कैसे लिखा जाए। तो नाम में कुछ नहीं करना है, अगर CH3Cl दे दिया जाए तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो भी हैलोजन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, जो भी हैलोजन लगा रहेगा उसका हम लोग नाम लिखेंगे, क्या करेंगे, जो भी हैलोजन लगा हुआ है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या नाम होता है, क्लोरो होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरो क्लोरो। और क्लोरो लिखने के बाद देखेंगे कि कितना कार्बन लगा हुआ है, तो ये तो बना है मीथेन से, यानी एक कार्बन से बना हुआ है, तो एक कार्बन को अल्केन के केस में क्या बोलते हैं, मीथेन। तो यहाँ पे आगे हम लगा देंगे मीथेन मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि जो भी हैलोजन लगा रहा है, अगर क्लोरो लगा रहा है तो क्लोरो लिख देंगे, अगर ब्रोमो लगा रहा है तो ब्रोमो लिख देंगे, और अगर आयोडीन लगा रहा है तो आयोडो लिख देंगे। और इन सब को लिखने के बाद क्या करेंगे, जितना भी कार्बन होगा पहले तो लिख देंगे क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो, उसके बाद हम कार्बन की तरफ जाएंगे और कार्बन में देखेंगे कि कितना कार्बन है। अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन हो जाएगा, दो कार्बन होगा तो इथेन हो जाएगा, तीन कार्बन होगा तो प्रोपेन हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका नाम लिखना है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद कुछ का प्रैक्टिस हम आप लोगों को कराते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और कुछ देते हैं जिसका आप लोग नाम लिख के दिखाइए। और स्ट्रक्चर भी बनवाएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। जैसे अगर हमको दे दिया जाए C2H6, इससे हमको क्या करना है, हेलो एल्केन बनाना है, या C3 इसी से लेते हैं, C2 से ही लेते हैं, C2H6 और C2H6। अब सोच रहे हैं आप लोग कि एक ही क्यों लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट में देखेंगे, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीन को जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और ब्रोमीन को जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और आयोडीन को जोड़ देंगे। अब एक ही है, एक ही कंपाउंड है, C2H6, यानी सब इधर इथेन है, और इथेन से हम हेलो एल्केन बनाएंगे, तो पहले इसमें क्लोरीन जोड़ेंगे, फिर ब्रोमीन जोड़ेंगे, फिर आयोडीन जोड़ेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या होगा, C2H5 होगा, यही होगा कि नहीं होगा, एक एक हाइड्रोजन हम निकाल दिया, क्योंकि सब में हाइड्रोजन निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन जोड़ देंगे यहाँ पे Cl, यहाँ पे ब्रोमीन है तो Br जोड़ देंगे, और यहाँ पे आयोडीन है तो I जोड़ देंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पे बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, या बिना बॉन्ड का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5Cl भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा और आप बॉन्ड दिखा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। अब ये हमारा क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। कैसे हो गया, हैलोजन और एल्केन, यानी इस हैलोजन को इस एल्केन में जोड़े हैं, तो ये सारा हमारा हेलो एल्केन हो गया। और इनका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे,
नाम ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है तो क्लोरो होगा, क्लोरो। और कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। क्लियर। अब बारी आती है इसका और इसका, तो यहां पे क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो। और कितना कार्बन है, दो कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, इथेन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। यहां पे आयोडीन लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, आयोडो। और कितना कार्बन है, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन। तो ऐसे ही आप लोगों को जो भी हेलो एल्केन दे दे उसका नाम लिखना है, यहाँ पे ई है, जो भी हेलो एल्केन दे दे उसका क्या करना है, नाम लिखना है। अब इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग बनाते ही होंगे, क्या C2H5 का स्ट्रक्चर बना के लास्ट में Cl जोड़ देना है, एल्केन का स्ट्रक्चर बनाने आप लोग को सिखाए हुए थे, नहीं तो जाके देख लीजिए। चलिए बता देते हैं, यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन ऐसे बना लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, इस कार्बन पे क्या कीजिएगा, तीन हाइड्रोजन डाल दीजिएगा, क्योंकि टोटल पांच हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, दो कार्बन हम बना लिए, दो ही कार्बन है ना, दो कार्बन को बॉन्ड से जोड़ दिया। क्लियर, दो कार्बन हमारा हो गया। अब दो कार्बन पे पांच हाइड्रोजन को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे हम, बॉन्ड काउंट करेंगे कार्बन का। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, और मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो एक बॉन्ड ये कार्बन बना लिया है, और कितना बॉन्ड बनाएगा, 4-1, 3, क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है, एक बना लिया तो तीन ही बॉन्ड बनाएगा। तो तीन बॉन्ड बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या इससे ज़्यादा बना सकता है, नहीं बना सकता है। अब हमारे पास बचा दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, बचे हुए कार्बन पे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया, अब इस कार्बन का भी क्या हो गया, तीन बॉन्ड बन गया, फिर भी एक बॉन्ड खाली है, तो वो बॉन्ड हम किससे फुलफिल करेंगे, हमारा जो क्लोरीन है, किससे, जो क्लोरीन लगा हुआ है इससे करेंगे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ऐसे ही काम करेंगे। अगर इसका भी बनाना हो तो ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे दो कार्बन लिखेंगे, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, और कितना बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड और बनाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चार बना सकता है। तो यहाँ पे तीन बॉन्ड और बनाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रख देंगे। अब हमारा पांच में से तीन हाइड्रोजन खर्च हो गया, बचा कितना हाइड्रोजन, दो। तो दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, इस कार्बन पे दो बॉन्ड बना के दो हाइड्रोजन लटका देंगे। अब इस कार्बन का कितना बॉन्ड बना, इसका तो चार कंप्लीट हो गया, इसका कितना कंप्लीट हुआ, 1, 2 और 3, तीन ही बॉन्ड कंप्लीट हुआ। ये बॉन्ड इस कार्बन का भी है और इस कार्बन का भी है, डिटेल में बताए हुए एल्केन, जाके देख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। और यहाँ पे एक बॉन्ड और खाली है, तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो BR जोड़ देंगे। वैसे ही सेम टू सेम क्या करेंगे, आयोडो वाला भी बना देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इसका भी बना ही देते हैं जब इतना काम कर दिए हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आयोडीन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो ये हमारा होता है। अब यहाँ पे आपको कोई दे दे C3H8 से दे दे बनाने के लिए, तो आप लोग बनाइएगा, प्रोपेन हो जाएगा, तो क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन और आइडोप्रोपेन हो जाएगा। तो सारा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। और एक बात और, यहाँ पे लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, एक मिनट और रुकिए। एक चीज़ और होता है कि यहाँ पे जो भी हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हम हैलोजन लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, अभी तो हम यहाँ पे क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन आपको बता दिए, लेकिन एक होता है कि जो हमारा ब्रांच लगा होता है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, इसका भी पोजिशन लिखना होता है। क्या करना होता है, पोजिशन लिखना होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे बताए थे कि जो भी हमारा ब्रांच लगेगा या फंक्शनल ग्रुप लगेगा उसका पोजीशन हमको लिखना पड़ेगा, और इस टाइप से लिखना पड़ेगा कि उसका पोजीशन नज़दीक आता हो। तो अगर हम इसका बात करें या इसका बात करें या इसका बात करें, तो अगर हम इसमें क्लोरीन का पोजीशन लिखने जाए, ब्रोमीन का पोजीशन लिखने जाए या आयोडीन का पोजीशन लिखने जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों साइड से काउंटिंग करेंगे, इधर से भी और इधर से भी, और देखेंगे कि इस क्लोरीन का या इस ब्रोमीन का या इस आयोडीन का पोजीशन किधर से नज़दीक पड़ रहा है। ठीक है, तो इधर से करेंगे तो क्या होगा, इधर से दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, और इधर से करेंगे, अगर हम इधर से लेफ्ट टू राइट जाएं,
तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन यानी सेकेंड पोजिशन पर क्लोरीन पड़ रहा है, और इधर से काउंटिंग करें तो फर्स्ट पोजिशन पर पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर थोड़े अच्छे से लिखना हो, वन क्लोरो इथेन, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, वन ब्रोमो इथेन, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वन आइडो इथेन। लेकिन हम इसलिए आप लोगों के ये वन टू नहीं लिखना सिखाए क्योंकि हम लोगों के क्लास में ये वन टू नहीं लिखना है, इसका काउंटिंग इलेवेंथ क्लास में करना है। लेकिन आप लोग बुक पढ़िएगा अगर एस चंद का, तो वहाँ पे नोट में करके लिखा हुआ है वन क्लोरो या वन ब्रोमो या वन आइडो करके देता है। लेकिन अभी तो हमारे क्लास में या तो लास्ट में लगा रहेगा या तो फर्स्ट में लगा रहेगा, तो जिधर से भी काउंटिंग करें, क्या करें, जिधर से भी काउंटिंग बता रहे हैं आप लोग, इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, वन हटा दीजिए, सिर्फ ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वन वाला बता रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब देखिए कहानी क्या है, ये वन टू का अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन दे दें, हाइड्रोजन लगा लीजिएगा बॉन्ड काउंट करके, और यहाँ पे दे दे F, या हम Cl पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दे दे Cl। तो हमारा रूल ये कहता है कि हम पहले दोनों साइड से काउंटिंग करेंगे, इधर से जाएंगे और इधर से आएंगे, और ये जो लगा हुआ है इसका लोएस्ट पोजीशन फाइंड करेंगे जो IUPAC में बताए थे। तो क्या होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा सेवेंथ पोजीशन पे मिल रहा है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ काउंटिंग कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने पोजीशन पे मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन। तो राइट से लेफ्ट में कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है। तो जब फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है तो इसका लोएस्ट पोजीशन हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है, उसके बाद जितना कार्बन का है, कितना कार्बन है, 7 कार्बन है, तो लिख देंगे हेप्टेन। तो जो भी होगा हम लोएस्ट पोजीशन दिखाएंगे, लेकिन हम लोगों के क्लास में यहाँ पे बीच में कहीं नहीं देगा, या तो आपको क्या करेगा, 7 6 कार्बन कार्बन, हम लोग के क्लास में क्या करेगा, या तो यहाँ पे दे देगा या यहाँ पे देगा, या तो स्टार्टिंग में देगा या लास्ट में देगा। तो लास्ट में दे या स्टार्टिंग में दे, हमेशा वन आएगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग का भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे दे, यहाँ पे क्लोरीन लगा दे, और हमको लोएस्ट पोजीशन फाइंड करना है, तो दोनों साइड से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, इधर से गए लेफ्ट टू राइट तो क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन मिला, और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो राइट टू लेफ्ट हमारा क्या मिला, फिफ्थ पोजीशन मिला। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन ही लेंगे। तो कोई भी कार्बन हो अभी हम लोगों की क्लास में, या तो स्टार्टिंग में देगा या लास्ट में देगा, तो आपको वन ही लगाना पड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन हमेशा इसका फर्स्ट आएगा। आप इधर लगा दे फिर भी फर्स्ट आया, आप फर्स्ट में लगा दिए फिर भी फर्स्ट आया, क्योंकि दोनों साइड से काउंटिंग करके फर्स्ट पोजीशन देखना है। और यहाँ पे सोचे कि यहाँ पे सिर्फ CC क्यों लिखें, तो आप बॉन्ड काउंट करके हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे कितना बॉन्ड बन चुका है, एक, यहाँ पे तीन जगह खाली है तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लग जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना लिया, कार्बन, एक और एक दो बना लिया, तो जो दो जगह खाली है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दीजिए। वैसे ही आप लोग कर लीजिएगा काउंट करके किसके पास कितना है। तो अभी हम लोग का जो है वन लगेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग हायर क्लास में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, हायर क्लास में, वहाँ पे क्या करता है, ऐसे दे देता है, यहाँ पे दे देगा क्लोरीन और यहाँ पे दे देगा क्लोरीन, दो जगह क्लोरीन दे देगा। तब वहाँ पे पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि कितने कितने पोजीशन पे है और क्या क्या है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगा तो दे देगा ऐसे दे देगा, या तीन भी दे देता है, यहाँ पे भी दे देगा, या इसके नीचे भी दे देगा, चार चार दे देगा, पांच पांच दे देगा, क्लोरीन एक ही कंपाउंड के अंदर। अब वहाँ पे पोजीशन लिखा जाता है, लेकिन अभी इस क्लास में आपको या तो स्टार्टिंग में देगा या लास्ट में देगा, तो आप पोजीशन वन लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि लिखोगे तो वन ही आएगा। तो जनरली हम क्लोरोहेप्टेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, या ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, या आइडोब्यूटेन, आइडोपेंटेन कर देते हैं, क्योंकि पोजीशन अभी हम लोग के क्लास में वन ही आएगा। तो आँख बंद करके अगर लिखना हो तो पोजीशन वन कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो कुछ हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको करके दिखाइएगा। होमवर्क ये है कि आप लोग C4H10
में से क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कीजिए और यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ के इसका नाम और स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। C5H12 में से एक हाइड्रोजन निकालिए और यहाँ पे क्लोरीन जोड़िए और C8H16 में से H18 इसमें से एक हाइड्रोजन निकालिए और यहाँ पे आयोडीन जोड़िए और यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा शॉर्ट वाला, इसका नाम क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सारा चीज़ आप बना के दिखाइए। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको बना के दिखाइए और यहाँ पे हम लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आप लोग लेक्चर देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फिल द नॉलेज।